ये बड़ी मुसीबत है। मेरे तवो देर से गर्म होता है और जजमान जब सामने बैठा हूं तो मैं खुल के बोलता, पर पार्टियाला के कईयों के भी तकलीफ भी है, सबको इतनी शांति से लोग सुनते हैं नहीं सुनते। अब जो पेड़ हमने लगाया उसकी छाया में बैठने का समय आया तो ये लोग कह देते हैं समय कम है। समय कम कैसे है, समय ही समय है। ये है भाजपा के सबसे सीनियर नेता रामविलास शर्मा, जिनका दर्द आखिरकार छलक ही उठा। दरअसल हरियाणा में लोकसभा चुनाव का जोर शोर अब खूब सुनाई देने लगा है। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारने में सबसे आगे रही बीजेपी के प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन चुनावी प्रचार की बजाय एक तरह से भाजपा के तीन सीनियर लीडर घर बैठने को मजबूर है। अनदेखी के चलते पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को जैसी उम्मीद थी उनके अनुरूप में उन्हें तवज्जो नहीं मिल पाई। 2014 से पहले तक इन्हें पार्टी का कर्ता धरता माना जाता था। ये तीनों ही नेता एक समय में सीएम पद के भी दावेदार रहे, लेकिन पार्टी ने पहले मनोहर लाल और फिर नायब सैनी को सीएम बना दिया। 10 सालों में इन तीनों ही नेताओं को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। अनदेखी का ताजा दर्द एक दिन पहले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा का सामने आया, जिन्होंने सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में भरे मंच से कह दिया, पेड़ हमने लगाया, जब छांव में बैठने के दिन आए तो हमें कहते हैं समय नहीं है। लोग ओम प्रकाश जी यादव को पूर्व कहते हैं, अरे समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे, कई बार गादड़ा सुसिंह हार जावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे राम बन को जावे, कोई पूर्व पूर्व नहीं है। जब नायब सैनी मेरा अजीज हरियाणा का मुख्यमंत्री है, 4 जून के बाद एक शपथ समारोह और होगा। ये बड़ी मुसीबत है। मेरे तवो देर से गर्म होता है और जजमान जब सामने बैठा हूं तो मैं खुल के बोलता, पर पार्टियाला के कईयों के भी तकलीफ भी है, सबको इतनी शांति से लोग सुनते हैं नहीं सुनते। अब जो पेड़ हमने लगाया उसकी छाया में बैठने का समय आया तो ये लोग कह देते हैं समय कम है। समय कम कैसे है, समय ही समय है। रामविलास शर्मा की बात करें तो वो हरियाणा बीजेपी में सबसे सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती है। 2014 में उनके ही नेतृत्व में पार्टी ने हरियाणा में पहली लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव लड़ा और प्रदेश में पहली बार अपने बलबूते पर बीजेपी ने सरकार भी बनाई। उस समय रामविलास शर्मा का नाम सीएम पद के दावेदारों में सबसे ऊपर था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने सबको चौंकाते हुए करनाल से पहली बार विधायक चुने गए मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया। हालांकि उस समय कैप्टन अभिमन्यु भी सीएम पद की रेस में थे, लेकिन इन दोनों ही नेताओं को सरकार में अहम मंत्रालय दिए गए। कैप्टन अभिमन्यु को वित्त और रामविलास शर्मा को शिक्षा मंत्री बनाया गया। 5 साल बाद 2019 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए और भाजपा ने 40 सीटें जीती, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया। हालांकि जेजेपी से गठबंधन होने पर सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। ऐसे में चर्चा चली कि बीजेपी मनोहर लाल को हटाकर किसी और नेता को सीएम बनाएगी। इसमें उस वक्त सबसे टॉप पर अनिल विज का नाम था। अनिल विज हरियाणा बीजेपी में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 6ठी बार चुनाव जीता और MLA बने। यहां भी पार्टी ने फिर से सबको चौंकाते हुए अनिल विज को दरकिनार कर मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया। वहीं बीजेपी के एक और सीनियर नेता कैप्टन अभिमन्यु भी फिलहाल घर बैठने को मजबूर हैं। इस बार वो हिसार लोकसभा सीट पर सबसे मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनकी बजाय मात्र आधे घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करने वाले रणजीत चौटाला को टिकट दे दी। चौटाला बीजेपी को पिछले 5 साल से सरकार से समर्थन दे रहे हैं, वो अभी प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। चौटाला को टिकट मिलने के बाद बीजेपी के एक और नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके विधायक बेटे भव्य बिश्नोई भी नाराज दिखे। कैप्टन अभिमन्यु के साथ साथ कुलदीप और भव्य बिश्नोई ने अभी तक चौटाला के चुनावी प्रचार से दूरी बनाई हुई है। इसके पीछे की वजह भी टिकट नहीं मिलना ही दिखाई दे रहा है।
पिछले महीने की बात करें तो 12 मार्च को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ। जेजेपी और बीजेपी का 4.25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ घंटे बाद ही नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुनने के साथ ही सीएम बना दिया गया। इससे पार्टी के सीनियर नेता अनिल विज पूरी तरह नाराज हो गए। विज उसी दिन विधायक दल की मीटिंग को बीच में छोड़कर चले गए थे। इसके बाद उन्हें पार्टी ने मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसकी वजह से अनिल विज को मंडल में ही शामिल नहीं किया गया। अनिल विज की नाराजगी इसके बाद खुलकर सामने आने लगी। विज ने खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट तक सीमित कर लिया। गुरुग्राम में हुई लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय मीटिंग से लेकर अनेक कार्यक्रमों से दूरी बना ली। हालात यह है कि विज अपने विधानसभा क्षेत्र में तो एक्टिव है, लेकिन दूसरी जगह पर चुनावी प्रचार से एक तरह से किनारा किया हुआ है। खुद कह चुके हैं कि वो तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, उन्हें पार्टी ने उनकी हैसियत बता दी। तो ऐसे में इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।